फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टुडा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे हमेशा की तरह। और जैसा कि आपको पता है, मेरे ब्लॉग बहुत लेट हो जाते हैं। उसका एक रीज़न है, क्योंकि जब फंक्शन होता है या कोई फेस्टिवल होता है तो मेरे यहाँ बहुत सारे मेहमान आते हैं और मुझे उनको देखना होता है, काफ़ी काम हो जाता है। तो जो एडिटिंग का काम होता है वो मैं कर नहीं पाती हूँ, तो वो काम मैं बाद में करती हूँ, इसलिए मैं अपना ब्लॉग बाद में पोस्ट करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग देखा करिए। बाद में भी फंक्शन तो निकल जाता है, फेस्टिवल भी निकल जाता है, लेकिन फिर मैंने क्या किया किया तो आपको कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आप उसे बाद में देखा करिए और वीडियो में बने रहिएगा। आगे ब्लॉग आएगा, जो अभी फेस्टिवल निकला है उसमें मैंने क्या क्या किया वो आपको दिखाया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग पूरा ब्लॉग देख लेना, प्लीज़ प्लीज़। पंजीरी बन गई है, चरणामृत भी बन गया है और इसमें तुलसी की पत्ती भी पड़ गई है। बिना तुलसी की पत्ती डाले प्रसाद पूरा नहीं होता है। और अभी कतली बनानी और बाकी है, ये सब मेवा को कसना है, फिर इसकी बर्फी बनाएंगे। फ्रेंड्स, करी कस ली है, गोला था उसे कस लिया है। अब उन मेवा को मैं घी में तलने जा रही हूँ, उसके बाद इसकी बर्फी बनेगी। ओके फ्रेंड्स, ये है मेरे कृष्णा जी का, अभी गोपाल का स्टेज जो हम लोगों ने सजाया है। तो फ्रेंड्स, सारी मेवा को, ड्राई फ्रूट्स को पीस के ऐसा थाली में चीनी की चाशनी बना के जमा दिया है। अब इसके पीसेस कर लेंगे बाद में और टेस्टी बर्फी तैयार हो जाएगी।